ओके, तो ये टेबल से है ना, टेबल से चीजें आसान हो जाती है, टेबल से मालूम पड़ जाता है क्या लिखना है, नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, सिंबल इज फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड यूनिक सिंबल फॉर एनी अदर क्वांटिटी हैज टू बी विद स्मॉल लेटर्स। फिर यहाँ पे प्लूरल्स नॉट अलाउड, यहाँ पे डॉट एंड सेमी कोलन फुल स्टॉप नॉट अलाउड, यू कैन नॉट राइट एक्सेलेरेशन लाइक दिस बट इट हैज टू बी रिटन लाइक दिस। नाउ यू कैन नॉट राइट मिक्सिंग ऑफ यूनिट, इट हैज टू बी आइदर सिंबल और द कंप्लीट। और ये एट्थ में पढ़ के बताता हूँ, ये सेवेंथ ऑफ अवर नोट्स, 5 6 7 सभी लोग आ गए कि कोई आना बाकी है? सभी आ गए लगते हैं। अभी ना मैं चाहता हूँ कि कोई पढ़ेगा, आई वुड लाइक दिस दिस गर्ल कॉल्ड क्या नाम उसका, रोशनी, रीड करो नंबर सेवेंथ। रोशनी आर यू देयर? State and रोशनी describe two supplementary units. The two sub. So answer B. नहीं, क्या पढ़ रही हो तुम? और प्रीफिक्स Question सिंबल नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर 12 का नंबर 7। A prefix symbol is used before the symbol of the unit. Prefix symbol. Prefix symbol and symbol of unit constitute a new symbol for the unit, which can be raised to a positive or negative power of 10. ओके आगे पढ़ो। For example, 1 millisecond is equal to 1 millisecond is equal to 10^-3. 1 microsecond is equal. Remember, milli always is 10^-3 second. Milli is always this. Micro. Micro is 10^-6 second. Then nano. And as 1 nanosecond is 10^-9 second. And one पिको, चलो लिखा जाने देते हैं। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या है, 10^-6 second कैन बी रिटन एज 1 microsecond बट इट कैन नॉट राइट दिस एज, मतलब इट इज इक्वल टू 1 मिली मिली सेकेंड, मिली मिली सेकेंड नॉट अलाउड, दिस इज अलाउड। मतलब 1 मिली इंटू मिली 10^-3 इंटू 10^-3 10^-6 एक्चुअली अगर मैथमेटिकली देखे तो राइट है, एमएमएस यानी मिली मिली सेकेंड यानी 10^-3 10^-3 मीन 10^-6 बट नॉट अलाउड। बट 1 microsecond 10^-6 के बदले यू कैन राइट 1 microsecond, दैट इज फुल्ली अलाउड। 10^-9 second के बदले और क्या आई कैन राइट, एनीबॉडी? Anybody what can write इसके बदले? One nanosecond, this is allowed. But can I write this as 1 micro and millisecond? No, micro and 10^-6, milli and 10^-3, ultimately 10^-9 होता है, but it is not allowed. But it is not allowed. कॉम्बिनेशन नहीं लिखते हो माइक्रो मिली करके, मिली मिली करके नहीं लिख सकते हो। और फिर एट से भी लिखना है आपको, नंबर एट इज सेम एज एट ऑफ आवर नोट्स। हाँ ये समझ में नहीं आया ना, शायद ये नहीं समझे ना, क्या है सर ये क्या कर रहे हो आप? Is that something like that? Please let me know. मैं फिर से बताता हूँ, देखो कभी भी म्याउ लिखते हैं ना तो डायरेक्ट करते हैं, बट माइक्रो और 1 nano these are standard, you must know this because this is going to be used throughout our 11th and 12th both. Micrometer and 10^-6 meter, माइक्रो कूलम यानी 10^-6 कूलम, लाइक दैट बहुत यूज होता है माइक्रो। देन 10^-6 second कैन बी रिटन एज 1 micro, देखो ना उल्टा लिख सकते हैं, बट यू कैन नॉट राइट 1 मिली मिली सेकेंड क्योंकि मिली इंटू मिली 10^-6, बट यू कैन नॉट राइट माइक्रो इंटू मिली 10^-9 क्योंकि माइक्रो यानी 10^-6
million times to minus 3. Ultimately, but this is not allowed. This is not allowed. और नंबर आठवां जो है ना एट ऑफ अवर नोट्स, ये यहाँ पे क्लियर करूंगा, यहाँ पे स्पेस क्यों दिया है, मैंने बोला था ना आपको क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है, इज दिस क्लियर और नो? मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं फास्ट जा रहा हूँ। माज, ओ माज, यस सर, क्लियर है बेटा ये कि नहीं? हाँ सर। व्हाट अबाउट जीतू? ओ जीतू, यस सर, क्लियर है? यस सर। ओके, अब आठवां पढ़ के बताओ रोशनी, नोट्स में से आठवां क्या लिखा है? नंबर एट, introduce while indicating multiplication of two units. Example, meter per second should be written as meter second minus one or meters hyphen second minus one. देखो, मैं आपको समझाता हूँ। Meter per second, suppose velocity का unit है, I can write this as meter space second raised to minus one or meter hyphen second raised to minus one. This is allowed. This is also allowed. Anybody can tell me space क्यों रखा? ये explanation से मालूम पड़ जाना चाहिए आपको. Space काहे रखा है? Anyone? Anyone from the observation of the whiteboard? You can tell me कि space किसलिए रखा सर आपने? For multiplication of two units. No. वन एम एच बाजू बाजू में लिखते हैं ना, तो इसका मतलब मिली सेकेंड, इसलिए बाजू बाजू में लिखते स्पेस देते हैं, तो ये मीटर सेकेंड रेस टू माइनस, नहीं तो मिली सेकेंड का कंफ्यूजन हो जाए इसके लिए, इसलिए देयर इज अ स्पेस। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये है ना क्या टेबल, हाँ मार्च का एक आंसर दे रहा था, उतने में अपना समय समाप्ति की घोषणा हो गई थी। ओके, सुनो मास, टेबल लगा बनाने से फायदा, टेबल देखते ही ना अपने को आइडिया आती है क्या लिखना है, और अपने को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है फटाफट फटाफट, जो लिखना है वो टेबल देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको आइडिया मालूम है। एग्जामिनर विल सी ओनली टेबल एंड ही विल अंडरस्टैंड, अरे खटाखट, वेरी नाइस वेरी नाइस, ही मस्ट बी फ्रॉम खंडेलवाल क्लासेस। ऑलराइट, सो टेबल, व्हाट यू थिंक ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो। Bhargesh, table method helps or you write the statements and understand what is better of the two? Table method. Table method se clarity aa jati hai seedha. What about you, Afif? Sir, table method. Haan, table it's more organized. हाँ, पूरा मालूम भी पड़ जाता है अपने को और टेबल जल्दी पिकअप करते हैं, टेबल फटाफट दिखाई भी देता है अपने को। Alright, so I will try to simplify things for you. Alright, so that things are easy and try to write everything in your own words. Don't follow, learn by heart the things. मैं कई बार बोल चुका हूँ, अभी नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी बताता हूँ, हम लोग ऐसे करते हैं ना, वो सब पागलपन है, मैडनेस, डोंट डू दिस टू इंप्रेस योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को सोचेंगे वाह 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 क्या पढ़ाई चल रही है, वेरी गुड, दे विल फील एकदम प्राउड, बट यू आर डूइंग पागलपन। खाली अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली and recollect that I am going to do this. ये table आठ table है ना, और हमेशा method of writing, आपने prepare के table बंद करो और लिख के देखो, no yes में कितना तुमको याद है, और लाल pen लो, लाल pen से लेके check करो, समझो आठ में से आपको पांच ही point याद रहे, बाकी तीन रहे, फिर वापस देखो, वापस देख के फिर वापस आठों point, पट 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 पट, rough handwriting चलेगा ना अपना, तो अपने को तो ही देखना है, इधर rough handwriting करो, exam में ध्यान रखना that you write little better writing, or achhi writing, similarly spelling, proper spelling, usse marks nahi katte, marks thodi spelling idhar udhar hogi to science mein ignore chal karte hain spelling ko, all right, ye dhyan mein rakhna, chalo ab hum badhte hain aagal, hum badhte hain aage, acha abhi na sabse important part aa raha hai hamare iska, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है, देयर इज नथिंग बट डायमेंशंस, टाइटल लिखो डायमेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और सीधा लिख दो, पहले है ना फॉर्मूले लिखते हैं, कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, फॉर्मूले वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा मोमेंटम, एनीबडी नोज मोमेंटम का फॉर्मूला, मास तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास नंबर थ्री एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम, एरिया को ए लिख देता हूँ, मोमेंटम को पी लिख देता हूँ, वेलोसिटी को वी लिख देता हूँ, एरिया वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एंड नंबर पांच लास्ट देता हूँ डेंसिटी, Anybody knows density का formula? So mass upon volume. Mass upon volume. देखो ये symbol है ना, ये symbol मराठी का नाव ऐसा, it is nothing but rho. इसको बोलते हैं rho. Generally used for density. कभी कभी d भी लिखते हैं, but I prefer rho as the symbol for density. Rho as the symbol for density. Which city? Which city? Density, not elasticity. Okay, अब है ना मैं आपको बताता हूं करना क्या, डायमेंशन में करना क्या, फॉर्मूला आपको ये सब क्या है, वेलोसिटी मोमेंटम एरिया वॉल्यूम डेंसिटी, एनीबडी कैन टेल मी वन सिंगल वर्ड फॉर देम, ये सब क्या है, so derived dimensions. Not dimension. These are derived quantities. These are physical quantities which are derived ones. These are physical. तो हमको इसका dimension निकालना है. सबसे पहला जो condition है, you should know the formula of which dimension is to be worked out. Velocity का formula मालूम है, momentum का मालूम है, area का मालूम है, volume का मालूम है, density का. ये जो V है ना, बाद में कभी कभी पोटेंशियल के लिए भी यूज करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो डोंट गेट कंफ्यूज, कैपिटल V क्या है वो देखने का, वॉल्यूम है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग डायमेंशन, व्हाट इज द सिंबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. देखो मेथड, डोंट राइट एनीथिंग. हां एक और लिखता हूं, एक्सेलरेशन छोटा a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. बेसिकली न्यूमरेटर में वेलोसिटी आता है, डिनोमिनेटर में टाइम आता है. तो अब मैं बताता हूं डायमेंशन क्या होता है. सबसे पहला वेलोसिटी इज डिस्टेंस एंड लेंथ समय यानी टी, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू. अच्छा आपको एक बात बताओ ना मैथ्स का, वन अपॉन एक्स कैलकुलेट एक्स रेस टू व्हाट, माइनस वन. अरे सबको आना चाहिए ये एक्स रेस टू माइनस वन, तो ये भूलना नहीं. जैसे वन अपॉन टी कैलकुलेट व्हाट, वन अपॉन लेट से कैपिटल डी कैन बी रिटन एज टी रेस टू व्हाट, बोलो माइनस वन. अच्छा मुझे बताओ एल कैन बी रिटन एल रेस टू व्हाट, खाली एल अकेला है बेचारा, तो एल रेस टू व्हाट, वन. बस सिंपल, ये मैथ्स आना चाहिए आपको. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा एल टी रेस टू माइनस वन, और यहाँ पे डायमेंशन आई राइट इन कैपिटल, I'll write this as L1 T minus 1. और mass है नहीं तो mass का मैं लिख सकता हूँ M0. These are the dimensions of velocity. Number 2, मैं सब करता हूँ तो फिर अवध में समझ में आ जाएगा. Momentum यानि क्या? M into V. Remember, एक simple सा फंडा ध्यान में रखो. कभी भी velocity आएगा ना तो you will write this as L by T. कहीं पे भी velocity आएगा तो क्या लिखने का? L by T. Distance upon time, L by T. Let me ask, Alok, velocity के बदले क्या लिखने का? Alok, Conan, velocity के बदले क्या लिखने का? Conan Qureshi. हुसैन वेलोसिटी के बदले क्या लिखने का? सर एल बाय टी. एल बाय टी, सो दैट इज नथिंग बट एम इनटू एल बाय टी. अब इसको मैथमेटिकली
liter. What I'll write? m1 l1 t minus 1. These are the dimensions of momentum. Number three, area. Area is what? Length into breadth. Remember, we have to get every quantity in terms of mlt. ये लास्ट में तीन आए ना तो अपना काम खत्म हो गया. l is l. ब्रेथ क्या है? ब्रेथ मास है कि लेंथ है कि टाइम है? ब्रेथ ऑफ एनीथिंग इज मास, लेंथ और टाइम? सो लेंथ. सो लेंथ इनटू लेंथ. व्हाट इज लेंथ इनटू लेंथ बिकम्स l स्क्वायर. सो व्हाट आर द डायमेंशन? m 0 l 2 t 0. m 0 l 2 t 0. दीज आर द डायमेंशंस. एंड देन आ जाओ आगल. आगल नंबर 4 वॉल्यूम. Tell me volume में क्या लिखूंगा? Volume is what? Length into breadth into height. Length is length. Breadth क्या है? Length है कि mass है कि time है? Breadth. Breadth. So length. 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 And what about height? Height is time, mass or क्या है? So length. Length. So this is the thing. But L into L into L. L into L into L क्या होता है? Match में. L3. Anybody can tell me now dimension? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अब आप बताओ तुमको क्या लिखूं? So m0 l3 t0. That's the best answer. Best answer. I love that answer. Number 5. Density. Rho equal to mass upon. ये capital भी याद रखो. Volume है. Potential नहीं है. And tell me, volume क्या होता है? L cube होता है. Volume L cube होता है. So now only one of the student will answer, and I'll name that student as क्या है? ये जो convenient के हिसाब से answer देते हैं. I don't like that. मैं कहता हूँ Maj. Oh Maj, मुझे answer दे. Sir M 1. Sir L क्या है ऊपर? नहीं दिख रहा है. L cube. सर तो माइनस थ्री माइनस टी जीरो. दैट्स लवली आंसर. वेरी गुड आंसर माज. एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन समय. बट मैं बोला वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी हो उसके बदले क्या लिखने का? एनीवन कैन टेल मी विधि चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखूं? डीवी एल बाय डी. वेलोसिटी कभी भी आएगी या चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा? एल बाई टी विच इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट अपॉन वॉट? एल अपॉन टी स्क्वायर. मुझे डायमेंशन कौन बताएगा? रोशनी डायमेंशन बताओ. एम जीरो एल वन एंड टी माइनस टू. एम जीरो एल वन टी माइनस टू. टी माइनस टू. अब है ना एक बात खाली आप ध्यान रखना लाइफ में. कभी भी कोई भी फॉर्मूले में अगर वेलोसिटी आएगा तो यू विल राइट इट एल बाय टी. कहीं भी एक्सीलरेशन आएगा तो क्या लिखूं? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट अपॉन व्हाट? ए के बदले एल अपॉन टी स्क्वायर. दैट्स लवली आंसर. सबसे पहले क्या करो मालूम है? इतना कॉपी कर डालो 1 to 6. मैं एक बार रूलर मार दूं क्या? रूलर मारूं? बोलो बोलो बोलो. बच्चों प्यारे बच्चों रूलर मारो की जरूरत नहीं है कि है. चलो पहले सबसे पहले फॉर्मूला. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एल अपॉन टी. एल टी रेस टू माइनस वन. एम जीरो एल वन टी माइनस वन. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी के बदले एल बाई टी. तो एम वन एल वन टी माइनस वन. एरिया इज फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ब्रेथ इज अ लेंथ. तो एल स्क्वायर. एम जीरो एल टू टी जीरो. Volume is length into breadth into height. Zero length hai, L cube. So M0, L3, T0. Density, mass upon volume. Volume is L cube. M1, L, minus 3, T0. Acceleration is change of velocity upon time. Basically, velocity upon time. Humko change ho ya kuch bhi quantity dekhne ki upar quantity velocity hai. So V ke badle L by T. T to L by T is L by T square. So m 0 l 1 t minus 2. पहले इतना कॉपी कर लो.
सर यस बेटा क्या नहीं दिख रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहा ऐसा है तो मेरे को बोलो, मैं हेल्प करूंगा। बोलो 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 कुछ तो बोलो। लास्ट राइट हैंड साइड पे ना? क्या सर? राइट हैंड साइड पे है ना, लास्ट में माइनस थ्री। हाँ ये सर लास्ट में राइट हैंड, ये सर माइनस थ्री, लेंथ माइनस थ्री है, नीचे ये टाइम माइनस टू। सो माइनस का कैसा है वो नहीं समझा सर। अरे कौन है ये? मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है बेटा, 1 upon x raised to n is nothing but x raised to minus n. ये formula है. तो 1 upon t square is t raised to minus 2. एक बार ये question है कि कुछ और है? मैं समझा ही नहीं. नहीं नहीं यही है sir. वो minus का ही problem था sir. हाँ ये भी समझा? कौन है ये? हुसैन बोल रहा है? हुसैन तुमको 100 of 100 है ना maths में? नहीं sir आलोक बोल रहा है. अच्छा ठीक है आलोक बोल रहा, आलोक। ओके ओके नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। तुम दोनों की आवाज लगभग एक जैसी है। मिठाई दो? यस सर। पहले मिटाने के पहले सब बात बता दो कि आखिर डायमेंशन होता क्या है, और ऑफ कोर्स यूजेस ऑफ डायमेंशन हम लोग देखेंगे बाद में, बट रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड। मैंने बहुत लेट स्टार्ट इसलिए किया कि जैसे नहीं तो कोनन कुरेशी है, फिर रोशनी है, आलोक है, ये लोग सब मिस करते थे, हुसैन है, ये सब लेट आते थे, तो ये समझ में नहीं आता था। रिकॉर्डिंग देखना अलग बात है और सामने देखना अलग बात है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे शायद मूड भी नहीं बदलता है। ओके देखो कभी भी डायमेंशन ऐसी चीज है कि कैपिटल एम यानी मास, कैपिटल एल यानी लेंथ, टी यानी टाइम, तो इनका पावर यहाँ पे लिखना पड़ता है। दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स और दीज आर पावर्स। और पावर का लिखने का फायदा ये होता है कि जैसे मीटर यानी किलोग्राम रेस टू जीरो, लेंथ यानी मीटर रेस टू वन, टाइम यानी सेकेंड रेस टू माइनस वन, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट? मीटर पर सेकेंड। इसका किलोग्राम, लेंथ का मीटर, समय का सेकंड रेस टू माइनस वन, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इधर क्या होगा? एनीबडी कैन टेल मी इधर क्या लिखूं? यस टेल मी, अभी बार बार सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं, तुम लोग बोलो। एल टू में क्या लिखूं बच्चे? सो मीटर टू, मीटर स्क्वायर, सीधा खत्म। मतलब एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या लिखूं? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब यहाँ पे जीतू नहीं बताएगा, कोई और बताएगा मुझे। एम रेस टू वन, एल रेस टू माइनस थ्री, हुसैन दागीना। yes. क्या लिखूं? हुसैन दागीना, एम रेस टू वन, इट विल बी द मीटर। क्या गुड, एल में मीटर आता है सर, इट्स केजी, केजी एंड मीटर, मीटर इज टू माइनस थ्री, मतलब यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट अबाउट दिस? आई विल आस्क प्रिशा शेट्टी, तुम्हारी थोड़ी सी बोली थी प्रिशा, आज बोलो वापस। एल रेस टू वन यानी क्या? सर एम रेस टू वन। एम यानी क्या? व्हाट इज एम मींस? एम क्या है, किलोग्राम या क्या है? एम इट इज मीटर, सो मीटर इज टू वन एंड सेकेंड इज टू माइनस टू, तो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट आर डायमेंशंस? द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड, पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट। ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर यूनिट।
in order to get the units of a given physical quantity are called dimensions of that physical quantity. ऐसे मैंने मेरे को लंग बाय हार्ट हो गया है, लेकिन तुम लोग इसका मीनिंग लिख दो के आसपास तो चलेगा. लिख डालो, ऐसे लिखो डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस. डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन में लिखो. वेरी गुड प्रिशा, यू हैव आंसर्ड वेरी नाइसली प्रिशा. कंटिन्यू लाइक दिस. ओके, ऐसा लिखो द पावर्स टू विच fundamental units must be raised. Powers to which the fundamental units must be raised in order to get the units of a given physical quantity. In order to get the units of a given a unit likho, units ke badle unit likho, the unit of a given physical quantity are called dimensions of that physical quantity. Today I may be going to classes after 12:30. So please phone up if you want to come to the classes to physically ask some doubts, etc. Please phone me and then only come to class. Conan Qureshi. हाँ sir. हाँ तो जरा मेरे को फोन कर लेना. अच्छा ये हो गया. तो you know dimension निकालने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? Anybody can tell me? सबसे पहली foremost जरूरत क्या है? फॉर्मूला. यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ विच यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन. एक इंपॉर्टेंट तो लिख ही डालो, एक लाइन लिख डालो. डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट. कॉन्स्टेंट्स डू नॉट हैव डायमेंशन. ऐसा लिख डालो बस लाइन. कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज डू नॉट हैव डायमेंशन. कॉन्स्टेंट है ना. सपोज साइन 30 डिग्रीज इज अ कॉन्स्टेंट ना, हाफ. तो उसके डायमेंशन साइन 30 का डायमेंशन निकालो तो इट इज एम जीरो एल जीरो टी जीरो बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट. ऑलराइट. कोई बोलेगा देयर आर 25 फ्रूट्स इन माय बास्केट, व्हाट इज द डायमेंशन? इट इज जस्ट अ नंबर व्हिच इज कॉन्स्टेंट, एम जीरो एल जीरो टी जीरो. तो खाली एक लाइन लिख लो, कॉन्स्टेंट्स डू नॉट हैव डायमेंशन. ऑलराइट. प्लेन एंगल सॉलिड एंगल डू नॉट हैव डायमेंशन, वो भी लिख डालो बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ, देखो लेंथ अपॉन लेंथ और ऊपर क्या है एरिया अपॉन एरिया डिस्टेंस स्क्वायर. तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल डू नॉट हैव डायमेंशंस. उनका यूनिट है रेडियन स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होता उनका. ये लिखा आपने. अच्छा मुझे एक लाइन कौन बताएगा? कभी भी वेलोसिटी आएगा तो क्या लिखने का? ओम मिस्त्री, वेलोसिटी आएगा तो क्या लिखने का वी के बदले? ओम मिस्त्री, ओम मिस्त्री. ओके चलो. तो अभी अगर मैं कुछ फॉर्मूले देता हूं उसका मतलब उनको उनके डायमेंशन निकालने पड़ेंगे. एक और बात बताओ. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्पीड? स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? स्पीड इज आल्सो सेम एज एल जीरो टी जीरो एम जीरो. नो 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 नो. स्पीड इज नथिंग बट सेम एज स्पीड. वेलोसिटी वाला डायमेंशन यानी एल बाय टी. ऑलराइट, ये ध्यान में रखना. अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एनीबॉडी कैन टेल मी?
एनीबडी ओरल आंसर है ओरल. अच्छा मुझे एक बार बताओ. हाँ एल बाई टी दैट्स राइट एल बाई टी स्क्वायर. अरे एक्सेलरेशन है ना ये तो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट एक्सेलरेशन. सो इट इज नथिंग बट एल बाई टी स्क्वायर. सो ये कॉपी कर डालो एम जीरो एल वन टी माइनस टी एम जीरो एल वन टी माइनस टी. एम जीरो एल वन टी माइनस टू. अब है ना मैं कुछ फॉर्मूले देता हूं. ये फॉर्मूला देखा है कभी एफ इक्वल टू एम ए. एफ इक्वल टू एम ए देखा है क्या? यस सर. ये क्या है? ये W stands for? So work done. That is right. Power का formula किसी को याद है? So W by T. Work done upon time. Pressure का formula किसी को याद है? Pressure का formula? So is it a force upon area. I really like that. Force upon area is a beautiful answer. 7 minutes. अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला किसको याद है? टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स ये हमने किया है. हमने आप लोगों के साथ किया है. एनीबडी नो द फॉर्मूला टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल? इज इट फोर्स इनटू मोमेंट आर्म? दैट्स राइट दैट्स राइट. बहुत अच्छा आंसर है. फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. अगला क्वेश्चन क्या होगा? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन कैन टेल मी क्वेश्चन? अपने मन से कौन बताएगा कि सर क्वेश्चन ये लिखना है? हम लोग समझ गए आपने क्या किया है. हु कैन से दैट? डायमेंशंस. फोर्स वर्क पावर प्रेशर टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल. ये क्वेश्चन लिखो. हाँ लिखा लिखा. ओ प्यारे बच्चों यस ओके. सबसे पहले फोर्स ए के बदले क्या लिखूं? ए के बदले मैंने आइडिया दिया है एल अपॉन टी एल अपॉन टी. लवली आंसर बाय प्रिशा शेट्टी. एंड देयरफॉर व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? क्या लिखो क्या लिखो? M1, L1 and T raised to minus 2. Best answer. Number 2, work force into distance. अब लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो. मेरे सब मेरे को खाली देखो मैंने क्या किया है. कोई भी डायमेंशन लर्न करने नहीं है. अब कई टीचर लोग क्या बोलते हैं, मतलब फोर्स आएगा तो M1, L1, T माइनस टू लर्न बाय हार्ड करो. लर्न बाय हार्ड करो टाइम मतलब पूरी एनर्जी टाइम वेस्ट कर देते हैं वो लोग लर्न बाय हार्ड कराने में. वर्क का डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन बिल्कुल लर्न नहीं करना है आपको. बिल्कुल खाली ए बी के बदले एल बाई टी, ए के बदले एल बाई टी स्क्वायर एंड यू शुड नो द दैट्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम ए. डिस्टेंस इज व्हाट? मास लेंथ और टाइम? डिस्टेंस लेंथ. ए के बदले क्या लिखना है? एल अपॉन टी स्क्वायर.
मतलब ये खत्म हो गई बात, खलास हो गई। एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये रहा डायमेंशन आपके सामने। मुझे मुझे आलोक, इसको बताओ मैं क्या लिखूं। आलोक यस बोलो, आलोक यस सर। ये क्या लिखूं, एम का पावर क्या लिखूं, एम वन एल टू सर, एल टू ना और टी माइनस टू। That's lovely, great answer by Alok. बहुत अच्छा आंसर है। और नंबर थ्री नंबर चार अपने आप निकालो, चलो मैं देखना चाहता हूँ कौन करता है अपने आप। नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच अपने आप कौन निकालता है। कौन है क्लास में जो अपने आप निकल जाए। कोई भी डायमेंशन याद नहीं रखने हैं, फॉर्मूला याद रखना है। और जी के बदले अल्फाइट डी, हाँ यस हम डायरेक्टली सर डब्ल्यू के बदले ये सर ले सकते हैं, एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। आई डोंट लाइक दैट डब्ल्यू के बदले फोर्स इनटू डिस्टेंस लिखो, एफ इनटू डी लिखो। वो लिखोगे याद नहीं रहेगा, बाद में सब लफड़े होंगे, बोलेंगे सर भूल जाते हैं हम लोग क्या करें सर। ये मेथड है जिसमें लंग बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। यू शुड नो द फॉर्मूला, बचपन से फॉर्मूला याद है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये कॉपी किया है क्या आपने? ओके yes. अभी मैं आपको चलो बता देता हूँ, एक पावर बता देता हूँ। पावर प्लीज स्टॉप राइटिंग सर, इज इट एम वन एल टू टी 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 रेस टू माइनस थ्री। यस दैट्स द बेस्ट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है बेटा, वेरी नाइस। इधर देखो सब लोग, यहाँ देखो, वेरी गुड। हफीज I love your answer. Work upon time. Work के बदले क्या लिखूं? Work का formula क्या है? So F into D. तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, तुमको आ गया। F into D. समय यानी T. Force का formula क्या है? So F into M. M into A. Distance क्या होता है? Length. L. और समय होता है, मैं एक idea दूं आपको, यहाँ पे समय लिखने में problem नहीं है, लेकिन बाद में आप लफड़े करते हैं। इधर देखो क्या करना है, एम के बदले एम, ए के बदले न्यूमरेटर में क्या है, एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर ऐसा लिखो, सो दैट यू नो गड़बड़ नहीं होएगा। दिस एल इज एज इट इज, और ये टी कहां पे, ऊपर या नीचे है? ये टी तो नीचे, नीचे तो टी यहां पे लिखो। देखो ये है ना, ये मेथड से क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, एम इनटू एल अपॉन टी स्क्वायर into L upon T, और इधर है ना गड़बड़ चालू है, तो मैं क्या करूँ, ये T square ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। तो आप क्या करो, पहले से न्यूमरेटर में